हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने ये ऊपर फंड में ऊपर में जो नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, जो यहाँ पर आपको दो दिल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर अंशिका जान आपको नाम देखने को मिला है। सिंपली ये कैसे लिखा जाता है और यहाँ पर कैसे सेट किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर नाम लिखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं पर यहाँ पर नाम अपना नहीं लिख पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं और वीडियो को लाया जाता है, जो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर ऊपर की स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंशिका जान नाम लिखा है और यहाँ पर दो दिल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से कैसे नाम आप लिख सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उस ऐप का नाम है पिक्सल ऐप। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके कर रखा है। तो दोस्तों आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और फिर पिक्सल ऐप में आपको जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये नाम अंशिका जान रखा था और मैं आपको दूसरी नाम से फ़ोटो इस तरह से बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए कैसे लिखा जाता है और कैसे इसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी आपको एक फ़ोटो लेना है तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और सीधे अब आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे। दोस्तों तो गैलरी में आ जाने के बाद कोई भी आप अपना यहाँ से सिंपल फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपल एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाली। और यहाँ पर आपको 9:16 का यहाँ पर आपको ले लेना है। ले लेने के बाद यहाँ पर सही पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अब आपको अपना नाम लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ जो रखना चाहता हूँ। तो इतना लिख लेने के बाद आपको सही पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर कस्टमाइज करके छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे इस तरह से ऊपर की ओर लाना है और इस तरह से छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद यहाँ से आपको इस पर जाना है और इस पर जाना है। तो यहाँ से अब आपको कलर ले लेना है, कलर कोई भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर सिंपली ले सकते हैं, जो भी आपको यहाँ से कलर अच्छा लगता हो वो यहाँ पर आप कलर भी ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लाल कलर ले लिया है और यहाँ पर अब आपको स्ट्रोक पर जाना है, इस तरह से कर देना है तो थोड़ा चटक डार्क हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको शैडो पर क्लिक करना है, इसको आपको ऑन कर देना है और ज़्यादा साफ आपको दिखने लगेगा। और फिर यहाँ इनर शैडो पर क्लिक करना है, इसको भी आप ऑफ कर देना है तो यहाँ पर भी कलर्स आ जाते हैं, वो अपने हिसाब यहाँ पर रख सकते हैं। और फिर यहाँ एम्बॉस पर जाना है, इसको कर देना है तो यहाँ से चमकीला हो जाता है, थोड़ा शाइनिंग करने लगता है। अगर नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दीजिए।
तो अब यहाँ से आपको लॉक कर लेना है और लॉक पर क्लिक कर देना है। इससे क्या है, हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा। तो अब दोबारा आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से अब आपको दिल लेना है। तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिल लेना है। तो मैंने दिल ले लिया है और यहाँ पर एक और थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देना है। और अब आपको यहाँ से फिर से एक दिल ले लेना है, फिर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। सॉरी। तो दोस्तों अब आप आ चुका है आपकी गैलरी में। तो यहाँ से अब अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं वो फ़ोटो और यहाँ पर आपको नाम भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।